लेकर परिवार में ही कलह हो गया, जिसमें एक बच के लोग घायल हो गए। उपचार के दौरान उन्होंने किस तरीके से अपनी व्यथा सुनाई है, आइए आपको सुनाते हैं इस खबर के जरिए। अस्पताल में घायल अवस्था में मौजूद इस महिला का नाम 35 वर्षीय बिनीता देवी, पत्नी वीरेचंद व कल्पना पत्नी रवि कांत है और ये थाना अलौद क्षेत्र के ग्राम मलिया के निवासी है। इन लोगों को इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके सगे परिवारजन है। दरअसल एक छोटी सी जमीन को लेकर दो भाइयों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी के तहत बीती देर रात थाना अलाऊ इनके दाऊ और उनके लड़कों ने इनकी जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से ईंट लगाना शुरू किया और जब उन्होंने मना किया तो राजेश शिवराज पुत्र रघुनाथ, माया देवी पत्नी रघुनाथ, कंदेवी पत्नी शिवराज व अंजू अंचल नीतू ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। गंभीर रूप से घायल पीड़िता जिला अस्पताल में उपचार करा रही है। पीड़ितों ने थाने पर तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित अब अपना उपचार जिला अस्पताल में करा रहे हैं। ये आप लोगों के चोट चपेट लगी, कैसे लगी, किसने मारा है आपको? हमारी गर्भवती ने मारू, राजेश शिवराज चंदेवी माया देवी उनकी लड़कियां थी अंजू। क्यों मारपीट करी आपके साथ? हमारी जगह में ईंटें रख रहे थे इसलिए हमने मना कर दिया तो हम लोगों को मारने लगे। कितने समय घटना की, कब मारपीट हुई आपके साथ? 2 बजे। आपके घर में तब और कोई भी था या नहीं था? नहीं, आप ही अकेले थे? हमारी जिठानी और हम दो लोग थे, उनका सर फोड़ दिया, हमारी बाल तोड़ दी। किस गांव के रहने वाले हैं आप?